एवरीवन, सो वी ऑल नो दैट दिस इज अ वेरी टफ टाइम फॉर डेंटल सर्जन्स, बट वी ऑल नीड टू बी प्रिपेयर व्हाट ऑल मॉडिफिकेशंस आर नीडेड टू डू इन डेंटिस्ट्री बिफोर वी कम इनटू फुल स्विंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी भी इस टाइम पे भी आपको सबसे पहले अपना फोन यूज करना है. फोन के थ्रू आप हो पाए तो अपनी अपॉइंटमेंट्स दीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कीजिए और फोन पे ही पेशेंट से हिस्ट्री लीजिए, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसको कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स तो नहीं है, उसके घर पे कोई ट्रैवल हिस्ट्री किसी की तो नहीं है, या उसके घर में कोई ऐसा बंदा जो बीमार हो उसकी हिस्ट्री लीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वहीं से आपकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है. सो वहां पे अगर आपको लगता है कि कुछ सस्पिशन है तो उस पेशेंट को आप सिर्फ एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स और पेन किलर के ऊपर डाल दीजिए. डोंट गिव दैट पेशेंट एनी अपॉइंटमेंट. सो आपका स्क्रीनिंग हो गया. बट इन केस अगर आपको लगता है कि यू कैन गिव द अपॉइंटमेंट टू दैट पेशेंट, तो आप उसको अपॉइंटमेंट दीजिए. सो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फोन पे ही दे देनी है पेशेंट को, जैसे कि उसको बोल दीजिए कि आप वॉच वगैरह ना पहन के आए, मास्क लगाकर आए, ठीक है, और उसको बोलिए कि आप मनी एक्सचेंज नहीं करना चाहेंगे और ई मनी यूज की जाए, जैसे कि UPI एप्स है, गूगल पे है, उसके थ्रू ही मनी का ट्रांसफर हुआ होगा इन केस अगर कोई प्रोसीजर किया गया तो, ठीक है. नाउ अगर आप प्रैक्टिस में वापस जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि जैसे प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं आप अपना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, अगर किसी को इसकी डोजेज या फिर प्रॉपर शेड्यूल का पता करना है, दैट आई कैन टेल यू. बट पर्सनली मैंने ये प्रोफाइल एक्सेस नहीं किया है अभी तक, क्योंकि जो रिसर्च है वो ये बोलती है दैट इट इज ऑफ नो यूज. सो मैंने नहीं किया है अभी तक, बट दैट इज अप टू यू, यू कैन डू इफ यू वॉन्ट. डे टू डे बेसिस पर इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है एंड देयर इज अ चांस कि आप टेस्टिंग करवा सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस शुरू करने से पहले अपनी टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है. साथ ही साथ अब प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको अपने साथ जो आपकी टीम है, आपके जो हेल्थ वर्कर्स आपके साथ काम करते हैं, आपका डेंटल असिस्टेंट जो आपके साथ काम करते हैं, आपका जो क्लीनिंग स्टाफ है, उन सबको भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा. अब क्लिनिक में जाने से पहले हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अब हम नॉर्मल डेंटिस्ट्री ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम एक OT के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं. जैसे ही पेशेंट आपकी क्लिनिक में एंटर करता है, आप उसको शू कवर दे सकते हैं, ठीक है, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप इंफ्रारेड उससे, थर्मामीटर से, और उसको उसी टाइम हैंड सैनिटाइजर देना है, ठीक है. एक एक आपका अटेंडेंट अगर रिसेप्शन एरिया में रहेगा तो वो आपकी रिसेप्शन को हैंडल कर सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे मेंटेन कर सकता है, सबको सैनिटाइजर यूज करने के लिए बोल सकता है, ठीक है. देन देर शुड नॉट बी एनी मैगजीन्स और थिंग्स लाइक दैट ऑन दी इन द रिसेप्शन एरिया. देर शुड बी मिनिमल थिंग्स इन द रिसेप्शन एरिया ताकि लोग उसको टच ना करें. मैक्सिमम जो चीजें टच होती हैं उनको हमें रिसेप्शन एरिया से हटा देना है. इससे आपको स्टरलाइजेशन, क्लीननेस और चीजें हैंडल करने में आसानी रहेगी और फोमाइट बेस्ड इन्फेक्शन आप नहीं फैलाएंगे, ठीक है. सो जैसे ही कोई पेशेंट एंटर करता है, अगर हो पाए तो अगर आपकी रिसेप्शन का डोर खुला रख सकते हैं आप, तो उसको खुला रखें, तो उससे आपको बार बार आपकी रिसेप्शन की डोर नॉब्स को क्लीन नहीं करना पड़ेगा, राइट. अब आपने जिसको अपॉइंटमेंट दी है क्लिनिक में आने के लिए, उसको आपको बोलना है कि आपका अटेंडेंट हो सके तो ना आए, वो अपने कार में या बाहर ही कहीं वेट करे, उसकी जरूरत होगी तो उसको कॉल कर लिया जाएगा. सिर्फ पेशेंट विल बी अलाउड इन दी और रिसेप्शन एरिया, ठीक है, और इन योर वेटिंग एरिया, क्योंकि आप भीड़ मत लगाइए. एनीवेज जो इंडिया की क्लिनिक्स है दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ये पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी घुसाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग. तो उसको मास्क देना बहुत जरूरी है इन केस वो मास्क पहन के नहीं आया है. वहां पे आपकी रिसेप्शन एरिया पे एनफ टिश्यूज होने चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए. आई विल शो यू किस टाइप का सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं अगर आप खरीद पाए तो, ठीक है. सैनिटाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर DCI ने बोला है कि आपको स्पिटून यूज नहीं करना है, बट मेरे हिसाब से अगर आप स्पिटून यूज कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा क्लीनिंग के पर्पज से, क्योंकि अगर आप पेशेंट को रिंसेस करवाने हैं, हमें पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले, सो रिंसेस हमने करवाने हैं H2O2 के या फिर कोविडिन आयोडीन के, राइट. सो रिंस करवाने के लिए अगर आप उसको अपने रेस्ट रूम में भेज देंगे
तो आपका रेस्ट रूम भी गंदा हो जाएगा. या फिर आप स्पिटून यूज कीजिए, एक पेशेंट देखने के बाद उसको फिर क्लीन करवाइए. इट्स गोइंग टू बी टफ बट वी हैव टू डू इट. अब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर अगर हो पाए तो आप अपने वेटिंग एरिया में हैंड वॉशिंग के लिए भी लाइक पोर्टेबल हैंड वॉशिंग सिस्टम आते हैं, वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो. आप पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कैसे देंगे? प्रिस्क्रिप्शन आप ई प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. इट इज लीगल दीज डेज कि आप ई प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं अगर आपको कागजी काम नहीं करने हैं. बट कंसेंट फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे. आई विल शो यू किस टाइप का कंसेंट फॉर्म. सो अगर आप कोई प्रोसीजर करने वाले हैं तो एक कंसेंट फॉर्म जरूर भरवा लीजिए. हॉस्पिटल आकर आप ओटी ड्रेस पहनिए, ठीक है, और उसके ऊपर अपना गाउन वगैरह पहनिए. तो जब आप घर जा रहे हैं आप अपने क्लीन क्लोथ्स पहन के उसी में घर जाइए वापस. सो एग्जामिनेशन के लिए आपके पास क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है N95 मास्क. एक डेंटल सर्जन के लिए N95 मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट ध्यान रहे, मार्केट में बहुत सारे फेक मास्क भी आ चुके हैं. सो खरीदते वक्त सही मास्क खरीदिए. सो N95 मास्क पहनने के बाद आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क उसको डाल सकते हैं कवर करने के लिए. हेड कैप पहनिए, ठीक है, एक सर्जिकल गाउन ले सकते हैं आप एग्जामिनेशन के टाइम पे, वो पहनिए. या फिर आप अपना जो एप्रन है उसके मोटे कपड़े का बनवा के फुल स्लीव्स का बनवाइए और वो एग्जामिनेशन के टाइम पे आप पहन सकते. जैसे ही सार्स कोविड 2 के लिए टेस्टिंग फ्रीली अवेलेबल होने लग जाएगी, पीपीई की सिग्निफिकेंस कम होने लग जाएगी. सो डोंट होल्ड इट. आपको हाई पावर सक्शन टिप्स भी यूज करनी है, ठीक है. और अगर आप खरीदना चाहते हैं एक्स्ट्रा ओरल सक्शन टिप्स तो आप खरीद सकते हैं. बट उसका अभी अगर आप दिमाग लगाएं तो या इट इज यूजफुल, बट अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई रिसर्च नहीं है. तो माय सजेशन इज कि अभी इसके ऊपर पैसे ना खर्च करें क्योंकि ये काफी महंगा है, ठीक है. तो इंट्रा ओरल सक्शन आप आराम से अपने सक्शन टिप्स के साथ कीजिए, फोर हैंडेड डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कीजिए. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम डेंटल क्लिनिक्स में है कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ एयर को कैसे मेंटेन करें, ठीक है. वी नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ एयर इन आवर डेंटल क्लिनिक्स. सो सबसे आसान और सबसे सस्ता तो यही है कि आप खिड़कियां खोल के रखिए अपने क्लिनिक में. बट इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि कुछ क्लिनिक्स ऐसे हैं जहां पे विंडोज है ही नहीं. सो यू हैव टू गेट इंस्टॉल्ड अ गुड पावर हाई पावर एग्जॉस्ट फैन विद दी मेटल ब्लेड्स के साथ जो फैन आता है ना, वो एग्जॉस्ट फैन आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है. तो जहां आप प्रोसीजर कर रहे हैं इस तरफ एक लॉन्ग टेबल फैन टाइप का रखवाइए, और इस तरफ जहां पे पेशेंट का हेड है उसके पीछे आप एक एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल करवाइए. इससे क्या होगा कि वो प्रेशर से बाहर को खींच लेगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देगा वो, ठीक है. तो वो आपकी गंदी हवा को बाहर निकाल देगा. ये तो हो गया उन क्लिनिक्स के लिए जिनके जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे हमारे पास कुछ हेपा फिल्टर्स हैं जो कि घर में यूज होते हैं और घर की एयर के लिए अच्छे हैं. बट हमें डेंटल क्लिनिक के लिए कौन से हेपा फिल्टर्स चाहिए वो ही खरीदिए, क्योंकि काफी लोग गलत फिल्टर्स भी खरीद ले रहे हैं, ठीक है. सो वो फिल्टर आपने खरीदना है और वो आपने इंस्टॉल करना है अपनी डेंटल चेयर के पास जहां आप प्रोसीजर करने वाले हैं फ्यूचर में. एक एग्जॉस्ट से आपको मिनिमम 1 आवर लगेगा, मिनिमम 6 एयर चेंजेस की जरूरत है. सो मिनिमम 1 आवर लगेगा. तो एक घंटे का आप गैप देंगे, उसके बाद आपको अपनी ऑपरेटरी क्लीन करनी है और उसके बाद अपना दूसरा काम शुरू करना है. जिनके पास हेपा फिल्टर्स है दे हैव टू गिव अ मिनिमम गैप ऑफ 20 मिनट्स, देन आस्क द स्टाफ टू क्लीन एंड क्लियर द इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद आप अपनी चेयर को स्टरलाइज करवाएंगे. अब चेयर को कैसे क्लीन करवाएंगे? आप जो भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, जैसे सोडियम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट इज द रिकमेंडेड वन. तो जहां से सेंटर से क्लीन करते हुए आप बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो क्लीन किया. फिर आपकी आर्म रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन, और आपकी लाइट्स क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. साइड से जो जहां से आप होल्ड करते हैं चेयर को वो क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस आपका स्पिटून क्लीन होगा, स्पिटून क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट ने वहां पर स्पिट किया है तो स्प्लैटर क्रिएट होगा. और साइड में जो वॉल्स जहां पे पॉसिबिलिटी है अगर आप स्प्लैटर को टच करने की, वो भी आप क्लीन करवाएंगे, ठीक है. तो वॉल्स भी क्लीन करनी है. ये हो गया आपका क्लीनिंग इन बिटवीन पेशेंट्स के लिए.
ठीक है, हो सके तो पेशेंट को बोलिए कि रेस्ट रूम उसको यूज करने को नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आप अपना रेस्ट रूम भी पेशेंट को यूज करने को दे देंगे देन आपको दो दो घंटे में अपने रेस्ट रूम को क्लीन करवाना है, अदरवाइज वो रेस्ट रूम भी इन्फेक्टेड ही है, ठीक है, सो यू हैव टू गेट इट क्लीन। अदरवाइज आप पेशेंट को घर से ही बोल दीजिए, क्योंकि वो आप एक सेट टाइमिंग दे के उसको बुला रहे हैं, तो आप उसको घर से ही बोल दीजिए कि आप अपना घर का ही रेस्ट रूम यूज करके आए। सबसे साफ से सबसे गंदे एरिया पे आपने आना है पहले, ठीक है, ऊपर से नीचे को क्लीन करना है, उसके बाद एंड में फ्लोर क्लीन करना है, ठीक है। जो हैंड पीस आप यूज करेंगे वो एंटी रिट्रैक्शन फंक्शन के साथ हो तो और भी बढ़िया रहेगा, और जैसे ही आप अपना एरोटर यूज करते हैं उसके बाद उसको डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन से क्लीन करने के बाद ऑटोक्लेव करेंगे आप, राइट। जो भी आप प्रोस्टो का काम करते हैं उसके इम्प्रेशंस को डिसइंफेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन आते हैं मार्केट से में, उसको आपने यूज करना है। पीडियाट्रिक पेशेंट्स में आपको रिंस करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंडेटरी है कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में भी रबर डैम यूज किया जाए। जिस भी पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं उसका एक या दो हफ्ते के बाद वापस कॉल कीजिए और उससे पूछिए हाउ इज डूइंग, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स कुछ समय के बाद भी पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आपको ट्रेस करने में आसानी रहेगी। आप अपने सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, रिकॉर्ड मेंटेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैंड वॉशिंग एरिया में अगर आपके टैप्स सेंसर वाले रहेंगे जिसको टच नहीं करना पड़ता है, या फिर टैप्स ऐसे आते हैं जिसमें एक लंबा सा एक नॉब होता है जिसको आप बाजू से बंद कर सकते हैं, सो एक तरह से आप अपने हैंड वॉशिंग एरिया को भी नो टच बना सकते हैं, ठीक है। वो बॉटल लाइन भी जो एरोसोल जनरेट करती है उसमें भी वो सोडियम हाइपोक्लोराइड डालना जरूरी है। फ्लोर को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप उसको डिटर्जेंट और पानी से क्लीन करवाएंगे, और उसके बाद आप उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन करेंगे, ठीक है। और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन करने के बाद आप अपना यूवी रेडिएटर ऑन करके घर चले जाएंगे, एंड नेक्स्ट डे आप उसको क्लिनिक को खोलें। सिंपल यूवीसी लैंप फ्रॉम फिलिप्स, चीप ऑप्शन। सो डीफॉगिंग यानी कि जो हम फ्यूमिगेशन बोलते हैं वो एल्डिहाइड प्रोडक्ट्स के साथ रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है कोरोना के लिए। सो अगर आपने डीफॉगिंग करनी है तो आप H2O2 यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारे स्टेप्स हैं जो आप अगर करते हैं तो आपकी डेंटल प्रैक्टिस काफी आसान और काफी सेफ हो जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो कैरी ऑन विद दीज पॉइंट्स, आई होप ये सब हेल्प करेंगे आपको। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।